सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैंने अपने YouTube चैनल की शुरुआत की है और आप लोग से गुजारिश है कि ब्रह्मा इसके क्लासेज को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और उसके हम लोग यहाँ पर आपको जीके जीएस की पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तब आप लोग का एक टॉपिक है मौलिक अधिकार। ये दोस्तों, ये आपका जो है मौलिक अधिकार, ये आपका है संविधान का एक टॉपिक है। और ये संविधान के मौलिक अधिकार, सबसे पहले बात करेंगे मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है। तो मौलिक अधिकार का मतलब होता है, मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। हम लोग को जब संविधान बनाया गया था तो संविधान में हम लोग को कुछ अधिकार प्राप्त थे और ये आपका जो है मौलिक अधिकार जो है आपका लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो आपका पूछ सकता है एग्जाम में कि मौलिक अधिकार जो है हमारा किस देश से लिया गया है, तो आपका लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और ये आपका है मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है। और आपका जो भाग 3 है और भाग 3 के अंतर्गत आपका आता है अनुच्छेद, तो आपका जो है 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है। अब उसके बाद देखते हैं मौलिक अधिकार की बात किया जाए कि सबसे पहले मांग किसने किया था। तो मौलिक अधिकार का मांग करने वाले व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये मांग किए थे 1931 कराची अधिवेशन में। तो उस समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ये उन्होंने मांग किया कि हम लोग के लिए, भारत की नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार होना जरूरी है। अब जब आपका संविधान बना था यानी 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में आपका संविधान लागू कर दिया गया, तो उस समय हमारी जो थी मौलिक अधिकार की संख्या, उस समय जो थी आपका है मौलिक अधिकार की संख्या टोटल था आपका 7। लेकिन अगर पूछेगा आपसे कि वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 6। तो आपका एक मौलिक अधिकार आखिर आपका कहाँ गया, तो आपका एक मौलिक अधिकार को आपका हटा दिया गया। तो आपका जो है मौलिक अधिकार जो हटाया गया वो अधिकार था आपका संपत्ति का अधिकार, और ये संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। अब उसके बाद देखिए, अब जो है वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6। अब इसी को आपको टोटल जानना है विस्तार से, 1 उसके बाद आप 2 3 4 5 6। अब एक बात आपका आता है कि मौलिक अधिकार जो है हम लोग को जो अधिकार मिला इसके लिए आपको रक्षा प्रदान कर रहा है, यानी आपका संरक्षक, संरक्षक बोला है तो ये अच्छा प्रदान कर रहा है आपका सर्वोच्च न्यायालय, या कह सकते हैं आपका उच्चतम न्यायालय, या आपको कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये आपका है सुप्रीम कोर्ट या आपको है उच्च न्यायालय, ये आपका जो है मौलिक अधिकार का रक्षा प्रदान कर रहा है। तो चलते हैं आपका जो है मौलिक अधिकार की संख्या 6 पर। तो आपका पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा आपका है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और आपका छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलते हैं अब समानता का अधिकार। आखिर समानता का अधिकार क्या होता है दोस्तों? समानता का अधिकार आपको दिया गया, यानी आपको समानता मतलब होता है आपका समान।
तो आपका समानता मतलब होता है समान आपको कहाँ कहाँ रखा गया है, और आपका है दूसरा है स्वतंत्रता, मतलब होता है स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, आपको क्या क्या चीज करने का आज़ादी यानी स्वतंत्र आप हैं। उसके बाद है शोषण, शोषण में अगर किसी प्रकार का आपका शोषण होता है उसके लिए आपका प्रावधान दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब आपका धर्म से संबंधित है, आप जितना भी आपको धार्मिक स्वतंत्रता आपको इसमें है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, किसी भी प्रकार का धर्म आप ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा और संस्कृति आपको है, शिक्षा मतलब आपको पता है एजुकेशन, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। उसके बाद आपका है छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए दोस्तों अब चलते हैं समानता का अधिकार का जो है अनुच्छेद पूछता है, समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अब 18 के बाद आएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अब उसके बाद आएगा आपका 23 और 24। इसके बाद आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से अनुच्छेद 28 और शिक्षा और संस्कृति का अनुच्छेद 29 से और आपका 30 और ये आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 से 35। यहाँ पर दोस्तों आपका बच गया अनुच्छेद 31 यानी आपका अनुच्छेद 31 जो था आपका संपत्ति का अधिकार जो कि इसे हटा दिया गया और इसे बना दिया गया आपका कानूनी अधिकार, और इसे कानूनी अधिकार बनाने का वो आपका समय था 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार, और इसे संविधान के 300 का क में जोड़ दिया गया कानूनी अधिकार। तो दोस्तों चलते हैं समानता का अधिकार जो है अब एक एक करके अनुच्छेद बाय अनुच्छेद पढ़ेंगे जो कि आपका है अनुच्छेद 14। जिस तरह आपको इसको पूरे विस्तार से पढ़ना है मौलिक अधिकार जो आपका, ये आपका एक पार्ट में समाप्त नहीं होगा और इसको टोटल अब चलेंगे आपका जो है, जिस तरह आप जानते हो स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता है अनुच्छेद 19 के तहत जो लिखा गया है प्रेस की स्वतंत्रता यानी आपको क्या है बोलने की आज़ादी है, और यही दोस्तों आपका है स्वतंत्रता का अधिकार आपका, इसके अंतर्गत आपके आते हैं 14 से 18 यानी आपका अनुच्छेद आता है टोटल 5। उसके बाद आता है आपका 19, 20, 21, 22 यानी आपका 4। उसके बाद आपका शोषण के विरुद्ध का अधिकार, इसके अंतर्गत आपका 2 अनुच्छेद, इसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 4, उसके बाद आपका 2 और फिर आपका 4। तो दोस्तों चलिए तो आपका है समानता का अधिकार, ये आपका रहा पार्ट 1 और उसके बाद बाकी हम अपना पूरा जानकारी चलेंगे पार्ट 2 में। दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जैसा आप लोग को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि फिर आपको अगली जानकारी अगले पार्ट में दिया जाएगा।